मारेगांव तहसील से 12वीं की परीक्षा में रायना खान ने दूसरा क्रमांक हासिल किया। रायना खान की इस सफलता पर मुस्लिम बांधव द्वारा उसका सत्कार किया गया। मारेगांव तहसील के कला महाविद्यालय उच्च माध्यमिक कला शाखा में पढ़ने वाली रायना फिरोज खान 12वीं की परीक्षा में तहसील में 83.33% अंक लेकर द्वितीय स्थान हासिल किया और उसका मुस्लिम समाज बांधव की ओर से सत्कार किया गया। और इस दौरान रायना फिरोज खान ने कहा कि जिस प्रकार 12वीं कक्षा में परिश्रम करते हुए तहसील में द्वितीय स्थान उसे प्राप्त हुआ है, उसी तरह समाज के लिए तथा देश की सेवा के लिए वह दिन रात परिश्रम कर स्पर्धा परीक्षा देकर अधिकारी बनने का उनका सपना है और वहीं भविष्य में अधिकारी होकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा करेंगी। गौरतलब है रायना ने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना और अपने परिवार का तथा समाज का नाम रोशन किया है। रायना की सफलता पर मारेगांव शहर के मुस्लिम समाज की ओर से उसका सत्कार किया गया। सत्कार के मौके पर नगर पंचायत के आरोग्य सभापति मोहम्मद खालिद पटेल, एडवोकेट महमूद खान पठान, डॉक्टर मुजफ्फर शेख, इकबाल सैयद, उमर शरीफ, दिलदार शेख, हुसैन शेख, शेख फरीद, शेख खलील आदि उपस्थित थे। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि दिलदार शेख की रिपोर्ट। मुझे क्लास 12 में 83% आया है। मुझे मेरी स्टडी में सबसे ज्यादा हेल्प मेरी बड़ी सिस्टर ने की है, साथ ही मेरे बड़े पापा मेरी मम्मी इन लोगों ने मुझे हेल्प की है। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, साथ ही साथ मेरे टीचर ने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसके बाद में मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे चल के एमपीएससी के एग्जाम्स दूंगी। इसलिए मैं पहले बीए क्लियर करूंगी, उसके बाद मैं एमपीएससी के एग्जाम्स दूंगी, बाद में मुझे आईएएस भी बनना है, इसलिए मैं यूपीएससी के एग्जाम्स दूंगी, इसके बाद मैं आईएएस बनूंगी और मैं अपने समाज के लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगी और साथ ही साथ अपने जितने भी साथ में मेरे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी मैं कुछ करना चाहूंगी। इसके साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं इन लोगों की मैं जरूर हेल्प करना चाहूंगी। मेरा एक ड्रीम है कि मैं आगे चल के एक ऑर्फनेज खोलूं जिसमें गरीब बच्चे पढ़े, उन लोगों का भी फ्यूचर आगे ब्राइट हो, इसलिए मैं उन लोगों की भी हेल्प करूंगी। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिसके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा नहीं रहे, जिनकी लड़कियों को ज्यादातर हमारे मतलब ज्यादातर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, फिर मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी, उन लोगों को समझाऊंगी कि कितना पढ़ाना चाहिए उन लोगों को, आखिर लड़कियां पढ़ के अपना भविष्य अच्छा बनाए ताकि देश का नाम रोशन हो, उनकी वजह से उनके फैमिली का भी नाम रोशन हो सकता है। इसलिए मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने 12th में काफी मेहनत करके इतने परसेंटेज लाए हैं।